नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद्य। एशिया कप मामले में एक बड़ा अपडेट अब सामने आ गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का बहुचर्चित मैच श्रीलंका में होगा, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम पाकिस्तान अब नहीं जाएगी। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने बुधवार को इसकी पुष्टि भी कर दी है। धूमल इस समय डर्बन में मौजूद हैं। आईसीसी मुख्य कार्यकारियों की बैठक के लिए वो वहां गए थे। उन्होंने पुष्टि की है कि बीसीसीआई सचिव जय शाह और पीसीबी प्रमुख जका अशरफ की गुरुवार को होने वाली आईसीसी बोर्ड की बैठक से पहले मुलाकात हुई थी, ताकि एशिया कप का कार्यक्रम तय किया जा सके। उन्होंने बताया कि जय शाह ने पीसीबी प्रमुख जका अशरफ से मुलाकात की है और एशिया कप के कार्यक्रम को अंतिम रूप भी दिया गया है। ये उसी के अनुरूप है जिस पर पहली बात की गई थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि उन्होंने पाकिस्तान में लीग चरण के 4 मैच होंगे, जिसके बाद 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। इसमें भारत और पाकिस्तान का मैच भी शामिल है। दोनों टीमें फाइनल खेलती हैं तो वह भी श्रीलंका में ही खेला जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान मीडिया में आ रही इन अटकलों को अब खारिज किया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी। वहीं एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाना है और इसमें 6 टीमों के बीच कुल 13 मैच खेले जाएंगे। इसमें फाइनल भी शामिल है, जो संभवतः श्रीलंका में ही खेला जाएगा, जहां इस बार एशिया कप जो है 50 ओवर्स के फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप 2023 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल टीम भाग लेने जा रही है। भारत, नेपाल और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में शामिल हैं, तो वहीं दूसरी ओर श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को दूसरे ग्रुप में रखा गया है। आपको बता दें कि पिछले साल से एशिया कप के वेन्यू को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। कई मीटिंग्स के बाद टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पर कराने का फैसला भी लिया गया। पीसीबी के पूर्व चीफ रमीज राजा ने टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं कराने पर विरोध जताया था और वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आने की धमकी तक दे डाली थी। एशिया कप का शेड्यूल इसी सप्ताह शुक्रवार को जारी हो सकता है। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा है कि टीम इंडिया पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगी। धूमल फिलहाल आईसीसी की चीफ एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए डर्बन में ही मौजूद हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।